प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम वैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए, इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल बे। एक नारी त्याग दीनी और ये पांच नारी गैल बे, साथ कौन कौन सी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारी, ये पांचों तेरे साथ हैं, इन ने त्याग बच्चों, जब वैरागी बनेगा, घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दू दू दौर मचावे। ओहो, अब ये सट दर्शन ही कहते हैं, छह प्रकार के ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, इनको सट दर्शन ही कहते हैं, छह प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दू दू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलहदा, वैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है, तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। चार संप्रदा बावन दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल हुआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, और चार संप्रदा बावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय, राधे राधे साम मिला दे, बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता, गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन ये योग यानी साधना, ना तो ज़्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, ना ज़्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। अंजल में अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तय, अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती,
वो भूख क्यों बालक थे भूख उठे नहीं न देखा कर दे कब 12 बजे रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंदर संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जाए आत्मस जाए, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जाए। अब क्या बताते हैं, चार संप्रदा 52 द्वारे है जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिन्होंने निज नाम ही नहीं पता क्या, ये 10 नाम ही क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखे हैं, और जय हो शिव जी शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव इस तरह के गीत गाते रहे, ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहर ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्हें सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे कंठी माला पहन पैर के, अंदर खख भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगशाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झाल री पीटे ताना री री गावे, ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने ये बद्दर बेख बनावे हैं, करुआ और कॉपी न लिए जा बनखड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक है गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ अपना धंधा करो और भगवान भजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं, तीर्थ पक यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तो विशेष कर ये सन्यासी जैसे सभी कुंभ का मेला भरा था एक बार कुंभ के मेले का पर्व का एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। अर्पुणात्मा यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखे इन चिमटे गाड के धोने ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटार माला पैर के, इन्हें सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहाँ जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कनपाड़े न्यारे बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहाँ ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में, जब वपर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आ गए विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णो ने कहा कि नागाओ पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं।
नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, सरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहाँ इतिहास गवाह है कि उस समय ये दिन को हम संत मान्या करते थे, 25,000 कटका मर गया, पशु कतलेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक जलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ऐसा होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लैदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपका काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साथ साथ दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है उनसे पूछो तो भगवान कबीर साहब है 600 साल पहले वो बता गए थे उस सूक्ष्म वेद को, ये तत्वदर्शी संत ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समान नानीर्तले उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन दावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूज आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे, समरथ जीवन जी का मन ईचा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88, उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा दावे से 88, उतरे बौद्धल पारा कट है यम की फांसी। ग्रीब कर जोरों विनती करूं दोरों चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश।
कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि पूर्ण चरण कमल में राखियो में बंदी जन गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखे चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है याम मीन न मेखो, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुशलोत, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था, हम कह कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवद् गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी कोई त्रिवेदी कोई द्विवेदी के इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है, किसी ने 3 वेदों को वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था वो द्विवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक आत्मा जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते,
उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते, उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक बरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सतत प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी। बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्माओं यहाँ, क्योंकि ये दातम मार्ग है। पहली कक्षा के बालक भी आते हैं तो ब्रह्म कार्सियस ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो, लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए, लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए। तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है, तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान, जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, पंडित। ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है, पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं, जो
श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बांच कर सुना दे, तेरे भी आपत्ति आनी है, ये ऐसे सर कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे और बचपन से ही वो एक हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो चार विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन चीजों का अब हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छेड़े मोहड़ किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो, जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का बट्ठा बठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुणात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है, वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे,
और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पकड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहां ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे तो उसमें परमात्मा के बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे, लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो तब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों को हम सत मानते हैं, पूरा विश्व सत मानता है, विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवद गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवद गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है, और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2500-3000 वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवद गीता को भी उन्होंने सामान्तर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सदग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस छोरी को हम नकारा नहीं कर सकते जिसको आज तक शिरोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले छोरी फिर प्रैक्टिकल, दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सदग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल, जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे
सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छेड़े मूड किसाना, गुरु बिन बीद पड़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नजर गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे उसमें क्या लिख रखा है, वेद की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सचिदानंद घन ब्रह्म, वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहां ये विचलित हो गए तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक सिद्धांत है, संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है। और ब्रह्म भगवान है, जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, वो उसके नियमों का उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और उसको जानने के बाद तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है, ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म, ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साहब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसा जटिल समस्या बन गई जो अध्यात्म मार्ग, कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोतावन कराते, तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने अपने विभाग का, ऐसे ही आगे चले हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, आप अंडरस्टूड, आपको खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं। और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं, तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ, ये काल ही है। और काल भी स्वामी है, जैसे एक जेल का सुपरिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है और सुपरिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुपरिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो।
तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहां प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा है। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, फलाना सरपंच हूँ, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया, दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सही होता है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या तीन लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया, आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई, और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं कि कोई 500 हजार के नोट नकली छाप देता है, और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महाप्रोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये तीन लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के, इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को, अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे उसको, पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका
वो छुटकारा पा लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस तो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में तीन पुरुष, तीन भगवान, तीन ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सर्वपुरुष कहो, सर्वब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर्व माने नाशवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सर्वब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थाई है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग त्रम अविश्य विवृति अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता तीन लोकों में प्रवेश करके। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो अपने आत्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कहकर उसकी वाणी झूठी कहकर। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परख्या और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी। क्या नाम है जी आपका? जी राकेश अग्रवाल। राकेश जी कहाँ से आए हैं? ग्वालियर MP। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भक्ति करता था भैया जी, शंकर भगवान की भक्ति करता था, हर सोमवार को व्रत रखता था और हनुमान जी की भी पूजा करता था, और मैं भांग भी लेता था और सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, गांजा भी पीता था, और डेली मुझे 50 सिगरेट का नियम था, और सिगरेट बिना पिए मुझे चैन नहीं मिलता था। जैसे भी पिताजी से दूर होता था तो मैं ये तलाश करता था कि कब मुझे सिगरेट मिल जाए और मैं पीऊँ। और सबसे महंगी सिगरेट आती थी उस समय फॉरेस कार, और मैं जब से पी रहा हूँ, जब वो 10.5 रुपये की डिब्बी थी, जब से पीता चलाया 50 सिगरेट मेरा नियम था। और जब मेरा कारोबार जब छूट गया तो फिर बीड़ी पीने लगा, कम से कम 9 और 10 बिंडल तो मुझे डेली पीने ही पीने थे, और सादा रात दरबार आती थी 1 रुपये की, वो भी लेता था, और शंकर भगवान की पूजा करने जाता था हर सोमवार को, 1.5 से 2 घंटे में पूजा करता था, और उस साथ में अपने बच्चों को भी ले जाता था। बच्चों को ले आके मैं जब वहाँ बैठता था तो
तो उनको पूजा नहीं करनी होती तो मैं उनसे कहता था चलो ये करो, पानी लेके आओ जाके शंकर जी की वो नहलाना है, जल चढ़ाना है और सहस से भी उनकी मालिश करना है। लेकिन मुझसे इतना खौफ था मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को, कि वो उनको ये लगता था अगर इनकी एक भी बात नहीं सुनी तो पता नहीं कहीं मंदिर में ही नहीं पिटाई करने लग जाए। और मुझ में इतनी शैतानी थी, भैया जी अगर बच्चे एक आवाज़ में मेरी बात को नहीं सुनते थे तो मैं काम तो छोड़ देता था, पहले उनकी पिटाई करने लग जाता, पता नहीं ऐसा मुझ में क्या क्रोध आता था। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि क्रोध क्यों था, क्योंकि शंकर भगवान की शरण में जो रहता है उसको क्रोध तो आना ही आना है। कई बार तो ये कंडीशन रहती थी, वहाँ पूजा करके आया और घर पे आके बीवी को मारना, बच्चों को मारना, और ये मुझ में बहुत गलत आदत हो गई थी। तो जो आप शंकर जी की भक्ति साधना करते थे, आपको उनसे क्या क्या लाभ हुए? उनसे मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिलता था भगत जी, सिर्फ क्रोध ही आता था और बीवी बच्चों को मारता था, धंधे पे ध्यान नहीं देता था और धंधा मेरा चौपट हो गया। और इसके पहले मेरे एक गुरु और थे, जगत गुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले मेरे जो गुरु थे वो मुझे ऐसी ऐसी बात बताते थे कि 6 महीने पहले की बात बताते थे, 6 महीने बाद तेरे साथ क्या होने वाला। तो कभी कभार तो जब शुरू में था तो मैं नहीं मानता था उस बात को, लेकिन जब वो मेरे साथ घटनाएं होने लगी, एक बार उन्होंने कहा था कि आपकी बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, इससे लड़ा मत करो। हमने कहा देखा जाएगा। जब वो पॉइंट 6 महीने बाद मेरे साथ बीता तो मुझे याद आई, तो उन्होंने एक दो जनों से ऐसे भी कहा था, एक उनके मिलने वाले थे जो हम एक साथ रहते थे, मिलने जुलने वाले थे, उनके साथ चार छः हफ्ते ऐसे मेरे साथ हुए तो दुकान भी मेरी चौपट हो गई और मैं व्यापार में टूटता चला गया। और आज ये कंडीशन है कि अब मालिक जगत गुरु रामपाल जी शरण में आने के बाद मुझे हर प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी शरण में हम ऐसे आए भैया, एक DIG मकान में किराए पे हम रहते थे, वहाँ पे हाकिम दास जी उरावली वाले जो वहाँ पे आए हुए थे और मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा के आ रहा था। उन्होंने कहा भगत जी सस्ता है, तो हमने कहा सही कह रहे होंगे भाई, हमने सस्ता है जी नमस्कार बोला उनसे। उन्होंने कहा कि आप शंकर भगवान की पूजा करते हो? हमने हाँ करते। तो फिर आप शंकर भगवान की कहानी पढ़ोगे? हमने पढ़ेंगे। पुस्तक लेनी पड़ी आप 10 रुपये की? हमने 10 की नहीं 50 की लेंगे अगर शंकर भगवान की है तो। उन्होंने कहा नहीं 10 की है, 10 से 9 दे सकते, 11 नहीं। हमने कहा ठीक है ऐसी बात है तो हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं दूसरे दिन फ्रेश होने आया नीचे, तो उसमें जो DIG के मकान में जो चौकीदार थे वो 13 बटालियन के नाम से है, तो वो चौकीदार के मोबाइल में सत्संग डाल गए थे भगत जी हमारे हाकिम दास जी। तो उसमें मैंने सुना कि हाथ धो रहा था मैं, तो उसमें सुना कि कौन वर्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा, ये मुझे बता। तो मेरे कान के पर्दे ऐसे खुल गए, हमने शंकर भगवान से बड़ा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही। तो हमने उनसे दोबारा से कहा, हमने कहा भैया जी आपकी इधर से मुझे कुछ आवाज़ ऐसी आई। उन्हें हाँ आपने सही सुना है। तो हमने एक बार और सुनाई मुझे, तो उनने फिर वही सुनाया कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा, मुझे बता। तो हमने ये आप क्या कह रहे? तो हमने कहा सत्संग जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सत्संग आपको बहुत मिलेंगे ऐसे सुनने को, आप कितने सत्संग सुनोगे? तो हमने कहा इतने कितने, हमने जो आपके मोबाइल में तो डालो। उन्होंने 2-4 मोबाइल में, मुझे ये बात खटक गई कि शंकर भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और मैं यही सुनता चले आया हूँ कि ब्रह्मा से भी बड़े विष्णु हैं, विष्णु से भी बड़े शंकर है, और मैं ये क्या कह रहे हैं कि मोबाइल में से कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा, कौन बताऊँ? चौकंद हो गया। मैंने कहा नहीं ये नहीं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा जो आपकी ज्ञान गंगा पुस्तक आने वाली उससे आप जरूर पढ़ो। हमने उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ये सत्संग की जरा आप मुझे और सुनाएं। उन्होंने कहा भाई बस आप सत्संग सुनना तो चाहोगे तो पहले पुस्तक पढ़िए। हमने कहा ठीक है। तो मुझे दूसरे दिन वो पुस्तक मिली, हमने उनको 10 रुपये तुरंत दिए, उस पुस्तक को हमने पढ़ा, तो वही हमने चैप्टर पढ़ा या जो क्या बोल रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि विष्णु भगवान के माता पिता भी, शंकर भगवान के माता पिता भी, और शेरा माली शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति भी है। हमने तो सुना था माँ दुर्गा का बड़ा कोई है ही नहीं, तो अब ये पति भी कहाँ से आ गया इसमें। तब उस पुस्तक की मुझे पढ़ने की बहुत चस्का लगा, और मैं पढ़ते पढ़ते मुझे फिर ऐसे लगने लगा मैं कब जाऊं बरमाला, कब जाऊं हरियाणा, कब जाऊं हिसार। तो पत्नी से मैंने कहा कि मैं भाई हरियाणा जा रहा हूं 2 दिन के लिए और मैं जा रहा हूं। तो मेरी पत्नी ने एक आवाज़ दी ठीक है आप जाओ। वहां आश्रम जाके मालिक की शरण में जैसे ही पहुंचे, अंदर जाके मैंने देखा वहां इतना आनंद आ रहा था कि शायद मैंने अभी तक कहीं देखा ही नहीं। उनने उपदेश दिया मुझे, मैंने सब चीज़ बात सुनी, फिर मैंने देखा कि लाइन लग रही है, उसमें क्या करूं, मुझे यहाँ भी जाना पड़ेगा। मैंने क्या करूँगा जाके फिर देखूँगा।
वहां 10 मिनट बाद देखता था वहां तो हजारों की संख्या में संगत लगा रहे, हमने यहाँ कुछ ना कुछ है भाई। तो फिर हमने जैसे ही भंडारा करके वहां पहुंचे, लाइन में लगे, और लाइन में लगने बाद जैसे ही मालिक की दया से, मालिक की शरण में हम पहुंचे, मालिक का हाथ रखते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा जो शरीर है एक बॉल की तरह उचकने लगा, मतलब एकदम अपने आप में हल्का होने लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ था और कैसे, और कैसी दया करी मालिक ने, मुझे शरीर में कुछ इतना वजन धरा हुआ था किसी ने ऊपर वजन रख रखा। उसके बाद 3 दिन मालिक का सत्संग सुना, दास के समझ में तो नहीं आया लेकिन आनंद इतना आ रहा था, ऐसा लग रहा था वहाँ से आऊँ नहीं। लेकिन वो मुझे बात खटक रही थी कि कौन वर्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन, ये मुझे बता। हमने कहा कोई और हो ही नहीं सकता, जब भगवान, जब इसके लिए मैं हर सोमवार को मंदिर जाता था, 1.5 घंटे 2 घंटे नियम में रहता था, उसके बाद भी कलेश। मैंने कहा मालिक के सिवा यहाँ कुछ है नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद जो मेरे दोनों पैरों में छाजन थी, मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। सबलगढ़ भी दवाई लेने गया और अपने झांसी अनाव वाले बालाजी का नाम सुना था, वहाँ भी 3 बार की जगह 4 बार गया। और अपने ये दंद्रोवा वाले हनुमान जी भिंड की तरफ पड़ते हैं, वहाँ भी 2 बार की जगह में 4 बार गया, लेकिन मुझे कहीं से लाभ का उत्तर ही नहीं मिला। और कष्ट पे कष्ट होता गया, पैरों में दवाई की लेते रहा और दवाई खाता रहा लेकिन आराम कुछ नहीं मिला। उसके बाद मुझे ये लाभ मिला मालिक की शरण में आने से, आज मैं इतना शांति से जी रहा हूँ। बीवी बच्चे था, आज मेरी बीवी बच्चे इंतजार करते कि मेरा पति कब घर पे टाइम पे आए। और पहले ऐसा लगता था जैसे घर पे जाता था शैतान आ गया, ये आए नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पैर में एक्जिमा था और वो परमात्मा की, जगत गुरु रामपाल जी, देखिए ये आप ये देख सकते हैं, ये इतना बड़े एरिया में पैर सड़ गया था। मेरे पिताजी ने ही बहुत इलाज कराया इसका और मैंने भी काफ़ी इलाज कराया। इसके पैरों में खड़ा होना मेरा मुश्किल होता था और मैंने इनकी ऐसे ऐसे डॉक्टरों से दवाई ली, ग्वालियर के माने हुए डॉक्टर खटोर और एक 7 नंबर चौराहा मुरार में, आज से 10 साल पहले उनकी 150 रुपये फीस थी। डॉक्टर मराठा करके है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी 150 रुपये फीस थी। जो ट्रीटमेंट करने इसका आता था वो डेली मुझसे 30 रुपये तो पट्टी करने के ही लेता था। जगत गुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो मैं तो दवाई खाना ही भूल गया कि दवाई खानी। एक दिन बच्चे ने कहा मुझसे, पापा आजकल आप दवाई नहीं लगा रहे हो, आप इतना थक जाते हो। हमने कहा नहीं बेटा दवाई लगाता हूँ। मैंने अपना पैर उठा के देखा, पैंट ऊपर करी तो मैंने देखा है तो सूखा सर्राटा बड़ा। हमने कहा ये तो अपने आप ही सही हो गया। मुझे बाद में ध्यान आया तो गुरु जी की दया है, जगत गुरु रामपाल जी की, और कोई कर ही नहीं सकता। इतने दिन से दवाई ले रहा हूँ और अभी तक सही नहीं हुआ है और अब सही हुआ। तो इसके बाद मुझे और मालिक की दया से दृढ़ विश्वास हुआ और मैंने अपने बच्चों को भी फिर साथ में लेना चालू किया। तो बच्चे कहने लगे पापा आप ही करा करो। तो एक दिन मैंने कहा नहीं बेटा ये सच्ची भक्ति, आप देखो पैर मेरा कितना। जगत गुरु रामपाल जी ने ऐसी दया करी कि सब कुछ विकारों से दूर कर दिया, सब नसों से दूर कर दिया और लाभ तो इतने मिले। मैं बताते बताते थक जाऊंगा और मीडिया वाले भाई को परेशान नहीं करना चाहूंगा, इसलिए लाभ तो बहुत है। छोटे मोटे लाभ तो ऐसे होते रहते जैसे हम सुबह उठ के रोज चाय पीने लग जाते। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो भैया जी क्या संदेश देना चाहूँगा, मैं इस लायक तो हुई ही नहीं, लेकिन आज जगत गुरु रामपाल जी की दया हुई है सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बुजुर्गों को, और सभी को ये कहना चाहूँगा, खास तौर करके उन समाजों को जो बनिया है, ब्राह्मण है और ठाकुर है, अपने आप में कहते हैं कि हम ऊंची जात के, जात कुछ नहीं है, हमें भक्ति तो करनी पड़ेगी। वो सच्ची भक्ति जो हमारे जगत गुरु रामपाल जी ग्रंथों के आधार से देते हैं और आप मिला के देख सकते हैं कभी भी कहीं भी, हमारे गुरु जो भक्ति देते वो ऐसी भक्ति देते हैं कि प्रमाण के साथ आप कहीं भी मिला सकते हो। हमारे गुरु जी एक बार नहीं 10-10 बार समझाते ऐसे जैसे कोई मास्टर समझाता तोता पढ़ने वाले को, तो आप भी समझ सकते हैं। सभी भाई बहनों से और खास तौर करके अपने माता पिता और ससुर सास से भी कहना चाहूँगा, आप जगत गुरु रामपाल जी हम सभी लोगों को सच्ची भक्ति देना चाहते हैं और सच्ची भक्ति करके आप अपना कल्याण कराए और जगत गुरु रामपाल जी से उपदेश लेके और सच्ची भक्ति करें और सच्ची भक्ति करके आप सतलोक की ओर जाने की तैयारी करें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? हाँ, आप सभी भाई लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा, बार बार विनती करूँगा, जगत गुरु रामपाल जी तरफ से जो भी नीचे जितने चैनल है
कई चैनलों पे हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, जो नीचे नंबर चलते हैं आप उससे संपर्क करें, और जो भी पास में केंद्र है वहाँ से आप नाम उपदेश ले और अपना कल्याण कराए और अपने परिवार का भी सहयोग करके उनका भी कल्याण करवाए। धन्यवाद जी, सत्साई।